सात दिन आगे पीत भात मैंने तुमको कथा सुनाई। क्षमा चाहेंगे सभी भक्तों से, सात दिन में हमसे या हमारे किसी साथी से कोई अपशब्द निकल गया हो तो अपना ही भाई अपना ही पुत्र समझ करके क्षमा करना, क्योंकि जो ज्यादा बोलता है अक्सर उससे कोई ना कोई शब्द निकल जाता है जो नहीं कहना चाहिए था। क्षमा चाहेंगे। सात दिन आगे बीत भात मैंने हंस हंस कथा सुनाई। आज अभी जान कर से हुए मेरी विदाई, क्षमा चाहेंगे अपने बड़ों बूढ़ों से, मामा से, भाइयों से, किसी प्रकार का कोई हमसे अगर अपशब्द निकल गया हो हमसे या हमारे किसी स्टाफ से तो अपना ही भाई अपना ही बात समझ करके क्षमा करना। वैसे तो मैंने किसी से कोई अपशब्द नहीं बोला है भक्तजनों, सोचा था कि पता नहीं रज्जा प्रवाह में कैसे इंसान बदल चुके होंगे। आज इस स्थान पर हम दूसरी बार आए, हमें एहसास हो रहा है गांव गांव नहीं वृंदावन बरसाना जैसा हो चुका है। अगर किसी प्रकार का कोई हमसे अपशब्द निकल गया हो किसी भी स्टाफ से तो हमें क्षमा करना। जब से आपके पावन पवित्र नगर रज्जापुरवा में हमारा आना हुआ है तो हम लोग कसम से खा के कह रहे हैं, उस दिन से हमें अपने घर का ध्यान भी नहीं आया है कि हम अपने घर पर हैं या किसी जगह कथा कहने के लिए गए हैं। भक्तजनों इतना सम्मान किया है हमारे भाइयों ने मेरा। सभी लोग तो यही कहते हैं स्टाफ के कि ये गांव नहीं वृंदावन धाम जैसा है, बड़ा ही सज्जन लोग रहते हैं, बड़ा एक दूसरे से सम्मान करते हैं। निवेदन है जब से आए गांव तुम्हारे ग्राम रज्जापुरवा में सभी माताओं बहनों ने बड़ा ही प्रेम किया है। मुझे जिस मैया ने जन्म दिया 9 मास गर्भ में रखा उस मैया का भी ध्यान नहीं आया कि मेरी मैया हमारे पास से आ गई। हम तो भगवान से यही कामना करेंगे, माता रानी से आशीर्वाद की आकांक्षा करेंगे हमारी माताओं बहनों के ऊपर कभी भी कोई कष्ट कलेश ना आए। समा चाहेंगे अपनी माताओं बहनों से, सात दिन में कोई ऐसा शब्द निकल गया हो तो हमें नहीं कहना चाहिए था। अगर कोई ऐसा शब्द निकल गया हो तो अपना ही पुत्र समझ करके भाई समझ करके क्षमा कर देना। चले जाए मत कहियो भैया।
निवेदन करना चाहेंगे सभी भक्तों से, जैसे ये कथा माता रानी के दरबार में हुई है ना, हर वर्ष भगवान की कथा इस मंदिर पर होती रहे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। जरूरी नहीं कि आप हमें बुलाओ इस मंदिर पर कथा करने के लिए, किसी भी शास्त्री को बुलाओ, लेकिन कभी भी इस साल जैसी कथा हुई है उसी साल, हर साल भगवान की कथा इस मंदिर पर होती रहे। माता रानी में बड़ा ही शक्ति है, अगर आप इन्हें सच्चे मन से मानो, और जिन्होंने माना है उन्होंने माता रानी की करिश्मा को देख लिया है। एक मिल है मेरी भैया तो सुन लेना, निवेदन करना चाहेंगे नौजवान भाइयों से, एक मिल है मेरी भैया मेरी सुन लेना, जब से बात हो तो लगे कर नौजवान भाइयों से मेरा, जैसे अपने गांव रजापुरवा में प्रेम से रह रहे आप लोग अपने भाई को भाई समझ रहे हैं ना, इसी प्रकार से जीवन भर अपने भाई को भाई समझते रहना। आपस में कभी लड़ाई झगड़ा मत करना, क्योंकि जिस गांव में जिस घर में लड़ाई झगड़ा होता है वो गांव घर कभी तरक्की नहीं कर पाता है। भक्तजनों आपस में प्रेम से भाई भाई का रिश्ता निभाते रहना, सदा मेरे भैया है हमारी, लड़न भिड़न से जग में भैया होती है अब हमारी। अपन रुक जाते हैं, आज ही हमारा प्रोग्राम बुक हुआ है आपके दरबार के पास सिंगापुर गांव में, कल का नाइट प्रोग्राम है। बहुत दिन से कह रहे थे भैया प्रोग्राम करने के लिए आप आ जाओ, तो नहीं माने, तो कल का रात्रि का कार्यक्रम है। वैसे तो हम रुकने के लिए रुक जाते हैं, रिश्तेदारी है। वैसे आज तक मैंने कहीं कथा के बाद 10 मिनट भी टाइम नहीं दिया है, लेकिन क्या करें, हमारी कुछ मजबूरियां होती हैं जिसके कारण रुक नहीं सकते हैं। छाया बन के हम तो रहते हैं मेरी मजबूरी, सिंगापुर का प्रोग्राम जाना बहुत जरूरी, चिमटा पर शक्ति कर रहे हैं खिलाड़ी यादव, ये डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ के रहने वाले हैं, और ढोलक बजा रहे हैं शिवम यादव, ये बेबर के पास गांव आदमपुर के रहने वाले, और घड़ा बजा रहे हैं राकेश भैया, ये सोनिक के रहने वाले, और ये पास में बैठे हुए हैं शिवा यादव, ये हमारे गांव रोहला के रहने वाले हैं, हमारी गाड़ी चलाती है। और आप लोगों के बीच में जो ये मधुर मधुर साउंड बजता रहा मिलन डीजे साउंड सर्विस, एक ग्राम मुर्जीपुर पड़ता है जगत के पास में, उस गांव के रहने वाले जिसके प्रोप्राइटर है अजीत भैया, और जिसके सौजन्य से हमारा यहाँ तक आना हुआ है अंकित यादव, शिवम यादव, कहाँ तक नाम बताएं, सभी भक्तों ने बड़ा ही सम्मान किया है। हम अपने भाइयों के सदा आभारी रहेंगे, माता रानी सदैव इनके घर में सुख शांति बनाए रखें और सदैव धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ते चले जाएं। बोले
प्रभा की कथा यूट्यूब पर देखना चाहें तो पीके स्टूडियो लाइव अनमोल शास्त्री ऑफिशियल तो चैनल पर आप लोगों को कथा श्रवण करने के लिए मिलेगी। यूट्यूब पर सर्च करें पीके स्टूडियो लाइव अनमोल शास्त्री ऑफिशियल तो चैनल पर कथा श्रवण करने के लिए मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। सभी लोग भगवान की पावन आरती करेंगे, खड़ी हो जाए।